हम आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन जो प्रक्रिया है कोविड 19 के दौरान जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है पंचकुला के अंदर, लोगों को सैनिटाइजेशन की जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। हवा की बात की जाती है तो सही बात है कि हम सुबह सुबह जो है तो घर से निकलते हैं सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के कि हम वातावरण की शुद्ध जो प्राणवायु या हवा है उसको ग्रहण करके हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। उसी की एक प्रक्रिया के दौरान जो है तो विश्वास फाउंडेशन ने आज जो नई पहल की है आयुर्वेदिक के माध्यम से, जो कि वायु की शुद्धिकरण की बात की जाए या सैनिटाइजेशन की बात की जाए पंचकुला के अंदर, उस प्रक्रिया के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज एक बहुत बड़ी उपचार विधि पता चली है जिसके माध्यम से जो है तो हम हवा के अंदर फैले जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, या फिर हम कहें कि जो कोविड 19 के अंदर जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है उस माध्यम से जो ये तरीका अपनाया गया है कहीं ना कहीं जो हमारे घरों में कारगर होने वाला है उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें जिनके माध्यम से जिसको हम कहते हैं हवन सामग्री, उन हवन सामग्री का कुछ हिसाब किताब थोड़ा सा जोड़ घटाव करके हम कुछ और नया अनोखा बना सकते हैं। वो क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके घरों के सैनिटाइजेशन की बात की जाए, क्योंकि आम सैनिटाइजेशन जो केमिकल के माध्यम से होता है अगर हमारे बच्चों की आंखों में चला जाता है या फिर कहीं गलत जगह चला जाता है तो हमें वो तकलीफ दे सकता है, लेकिन बात की जाए पेड़ पौधों की, वायु की या फिर ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ों की, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान, अगर फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन आज जो प्रक्रिया हमें बताई गई है विश्वास फाउंडेशन के माध्यम से, जो यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे आशीष शुक्ल सिंगला, तो उन्होंने हमें जो आज प्रक्रिया बताई है इस आयुर्वेदिक तरीके की, वहीं हम आपको बताएंगे कि जो ये माध्यम इन्होंने अपनाया है हवा के माध्यम से, जो ये धुओं के माध्यम से जो सैनिटाइजेशन का तरीका बताया, और हम बताएंगे कि और ये किस चीज़ों में मदद करता है। दीदी, ये एक तो जैसे जब हम आम की लकड़ी जलाते हैं उससे जो भी धुआं पैदा होता है और उसमें हम हवन सामग्री डालते हैं, 94% जितना भी बैक्टीरिया या जीवाणु से मरते हैं और इसका इफेक्ट एक महीने तक रहता है। और आधा घंटा कोई धुएं के पास बैठ लेगा उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये चीज़ें तो इसके साथ चलती चलती हैं। और जैसे कि ये नहीं, आज जो आपने प्रक्रिया बताई डॉक्टर साहब ने, ये प्रक्रिया बताई हमें कि इसके माध्यम से जो है तो सैनिटाइजेशन का सारा काम हो सकता है, डेंगू भी भाग, मतलब सैनिटाइजेशन कहते हैं किसको, कि वातावरण शुद्ध करना, तो वातावरण शुद्ध इससे 100% होता है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनि इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए वातावरण को शुद्ध करते रहे। दीदी आपने एक शब्द बोला ऋषि मुनि, ये शब्द तो बच्चों को पता भी नहीं होगा, प्राचीन संस्कृति कह दो बच्चों को तो ये शब्द नहीं लगेंगे, तो वही पद्धति तो जाते हैं कि उनको हमारे अपना इतिहास पता चले, मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमारे वो शब्दावली या हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो विलुप्त होती है। और हवन, ये हवन एक पूजा तो है ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कि बेनिफिट है कि ये वातावरण को पूर्णतः शुद्ध करता है। तो सुना आपने कि पूर्णतः शुद्ध करने का जो प्रक्रिया है वो इस माध्यम से बताया गया है, सारी फुटेज में हम आपको दिखाएंगे। अब सुनिए डॉक्टर सिंगला की बातें। प्रकार की हमारी जो है आयुर्वेदिक पत्र संहिता है, आयुर्वेदिक पत्र संहिता है और इसके अंदर 108 प्रकार की हमारे पास ड्राई जड़ी बूटियों की संहिता है। अगर किसी के पास इतना उपलब्ध नहीं है तो मात्र हल्दी, नमक, राई, फिटकरी, कलौंजी, गंधक और अजवाइन, इतने मात्र को घी और तेल के साथ, यदि हम गौ माता के उपले पर या गौ माता को उपलब्ध नहीं है तो भैंस के उपले पर ही हम जो भी उपलब्ध है उसके ऊपर करके पूरे गली मोहल्लों में और चौक चौराहों पे करें। जब ये धुआं शुद्ध पवित्र धुआं, आज तक हमने प्रकृति को दिया क्या है? जितनी भी नदियां हैं वो हमने ख़त्म कर दी। आप ज़रा जाके देख लीजिए आसपास, कोई नदी आपको शुद्ध नज़र नहीं आएगी। प्रकृति, पेड़ हम काटते चले गए, पेड़ ख़त्म हो गए, इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो वायु के अंदर पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं है। कितनी गाड़ियाँ पेट्रोल का धुआं छोड़ रही हैं, यानी कि जैसे कि बॉडी के अंदर हम कुछ खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं या और हम ताकतवर पदार्थ खाते हैं, तो जब हम इन पदार्थों को खाते हैं तो हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट होती है। ऐसे ही एयर में भी इम्यूनिटी चेक की ज़रूरत होती है, इस विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, हमारे संतों ने समझा और वो हमेशा से हर घर के अंदर ये धुनी और ये यज्ञ हुआ करते थे। तो एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को जो इम्यूनिटी चाहिए होती थी वो मिल जाती थी और वातावरण साफ और शुद्ध हो जाया करता था। लेकिन आज के समय के अंदर हम सब वो भूल चुके हैं और डिओड्रेंट का जमाना चल पड़ा है, तो इसके कारण हम लोग इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे। अब किसी भी तरीके से जब हमारा जो है बीमारियों से छुटकारा नहीं हो पा रहा, तो 150 साल पुरानी शास्त्रों की ये माना जाए कि इम्यूनिटी बूस्टर है प्रकृति के लिए। बिल्कुल, अभी इम्यूनिटी बूस्टर है, दूसरी बात यह है कि जो इसके अंदर तत्व डले हुए हैं वो एंटीसेप्टिक है, रोगाणु जीवाणु और विषाणु। पंचकुला में एक तरफ वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी विज्ञान का काम चल रहा है और दूसरी तरफ भगवान का काम चल रहा है, जिसमें आप धुनी के तरीके से आप समाज को संदेश दे रहे हैं कि वैक्सीन भी लगवाएं और ये भी
लगवाए। जी 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 जी, ये तो हमारा प्रयास है साथ साथ कि हम वो 150 साल पहले जो ऋषि मुनि हमारे संत किया करते थे और महामारियां यहाँ से खत्म हो जाया करती थी, अगर वो महामारियां खत्म करने में सक्षम ना होते तो सारी महामारी में हमारे पूर्वज मर गए होते, हमारे जन्म ही कहाँ होते। चलो अब आगे बताओ इनको। ये था पंचकुला में विज्ञान और भगवान दोनों का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है यार। है क्या नहीं, वही सबसे खास बात बता दे कि आज मेयर कुलभूषण जी को भी जो जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दिया, विश्वास फाउंडेशन को आश्वासन दिया कि हम इस प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाएंगे, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को इस तरीके से हम अपनाएंगे। उनकी क्या बातें थी ये सुनिए। आज पंचकुला में विज्ञान और भगवान दोनों एक साथ हैं तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये जो विश्वास फाउंडेशन है हमारी परमानेंट बहुत अच्छे काम करती रहती है, बहन नीलिमा जी और इनके जो सारे साथ भी और हमारे संत हैं, इन्होंने जो आज ये प्राचीन काल से हमारी पद्धति चलती आ रही है, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा दिव्य हैं, अगर इनका मिश्रण सही तरीके से करके और इसका धुआँ लिया जाए इससे बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। और आज जो सारी चीज़ें डाली हैं, घी है उसके अंदर, तेल हैं, सारी जड़ी बूटियाँ जितनी हमारे कलौंजी है, सरसों, अब बताइए हमारे संत बताएंगे क्या क्या चीज़ें आज हमने इसके अंदर डाली हैं। ये रोज़ाना 3 सेक्टर कवर करेंगे, पूरे शहर को हम कवर करेंगे ताकि गली गली में इसका जाकर असर हो और शुद्ध हो जाए, पूरा वातावरण सारा का सारा शुद्ध हो जाए। क्या लगता है सर कि ये सैनिटाइजेशन जो ये प्रक्रिया है नहीं, जहाँ तक आयुर्वेदा की बात है वो पहले भी चल रहा है रेगुलर, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है हमारे चंडीगढ़ हमने आयुर्वेदिक कॉलेज में भी IU64 के नाम से जो मेडिसिन चल रही है वो भी बुखार के अंदर बहुत ज़बरदस्त कामयाब है और सरकार ने उसको पेटेंट भी कर दिया है। आयुर्वेदा का हमेशा से पूरे का पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है, ये नहीं है भी अकेला एलोपैथी मेडिसिन से इलाज होता है, आयुर्वेदा से भी पूरा चल रहा है, 1000 से ऊपर हमारे पेशेंट वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज में ठीक होकर चले गए हैं। ये नहीं है, इसीलिए ये जो अभी आयुर्वेदा का आज हमने जहाँ पे जड़ी बूटियों से जो धुआं है, जो कोई हवन सामग्री है, सारी चीज़ें जो डाली गई हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे वातावरण शुद्ध होगा।